हाय एवरीवन, आई एम प्राची पाटिल, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने किस तरह ये कैंडल होल्डर बनाया, विच इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी क्लासी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मार्केट में ब्रासी कैंडल होल्डर्स मिल रहे हैं जो बहुत ही कॉस्टली है, और अगर आप इतना ज्यादा मनी स्पेंड नहीं करना चाहते हैं कैंडल होल्डर पर तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ आई मेड दिस कैंडल होल्डर, मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड। नाउ विदाउट एनी कैंडल होल्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ वॉल पुट्टी डो लिया है। वॉल पुट्टी डो का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अब एक शीट पर थोड़ा सा वॉल पुट्टी पाउडर डालकर वॉल पुट्टी डो को रोल कर लेना है इस तरह से। अब मैं यहाँ बोट शेप का कैंडल होल्डर बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसे बोट के शेप में कट कर लूंगी। ये हमारी बोट का बेस होगा। अगर आप कोई और शेप देना चाहते हैं तो आप उसे उस शेप में कट कर लीजिए। अब इस सरफेस पर पानी लगाकर इसे हल्का सा स्मूथ कर लेना है। बोट की साइड्स बनाने के लिए वॉल पुट्टी डो से कॉइल्स बनानी है और इसे इस तरह स्टिक करना है। स्टिक करने के लिए ग्लू की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही स्टिक हो जाएंगी। अब इसे प्रॉपर बोट का शेप देने के लिए शीट के नीचे इस तरह से छोटे छोटे बोल्स रख लिए हैं ताकि जब ये ड्राई हो तो एक प्रॉपर बोट का शेप हो। अब मैंने इसे कम्प्लीटली ड्राई होने से पहले ही टच किया था, इसीलिए ये टूट गया है। मैं वीडियो में इसीलिए दिखा रही हूँ बिकॉज व्हेन वी वर्क विथ वॉल पुट्टी ऐसा होता है। सो डोंट वरी, यू कैन फिक्स दिस। आपको थोड़ा सा वॉल पुट्टी डो लेना है और जहाँ पर क्रैक्स आए हैं वहाँ पर उसे स्टिक करना है। फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि जब तक वॉल पुट्टी अच्छे से ड्राई नहीं होती आप उसे टच ना करें ताकि आप ऐसे सिचुएशन में ना आए। अब हमने जो बोट की साइड्स बनाने के लिए जो कॉइल की लेयर लगाई थी वो ड्राई हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट लेयर स्टिक करेंगे। और जब तक हमको एक डिजायर्ड हाइट नहीं मिल जाती तब तक हम ये सेम प्रोसेस करते रहेंगे। मैं बोट के बेस को थोड़ा टफ बनाने के लिए वॉल पुट्टी डो के शीट्स बनाकर अंदर स्टिक कर रही हूँ। अब ये बोट की साइड्स के लिए फाइनल लेयर में स्टिक कर रही हूँ। हमारी बोट अच्छे से ड्राई हो गई है। अब एक इवन सरफेस देने के लिए मैं इसके ऊपर टेक्सचर पेस्ट लगाऊंगी। टेक्सचर पेस्ट मैंने वॉल पुट्टी पाउडर और पानी को मिक्स करके बनाया है।
टेक्सचर पेस्ट लगाने के बाद इसे पानी से स्मूथ कर लेंगे। मैं इसे बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे एंटीक लुक चाहिए, उसके लिए मुझे थोड़ा सा रफ एजेस चाहिए। सेम प्रोसेस से पूरी बोट को टेक्सचर पेस्ट से कवर करेंगे और अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब आप देख सकते हैं बैक में एक क्रैक है क्योंकि हमारी बोट पहले टूट गई थी, तो हमें इसे भी टेक्सचर पेस्ट से अच्छे से कवर कर लेना है और इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। बोट अच्छे से ड्राई हो गई है। अब इसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें पानी में सोक करके रखना है। वीडियो के लिए मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने इसे बाद में बकेट में ट्रांसफ़र कर लिया था और 24 आवर्स के लिए सोक होने के लिए रख दिया था। अगर आप चाहे तो इसे 2 दिन तक भी पानी में रख सकते हैं। पानी से निकालने के बाद इसे अच्छे से 2-3 दिन तक ड्राई होने देना है। ये अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद ही हम इसे पेंट करेंगे। अब पेंट करने के लिए यहाँ मैं इसे ब्लैक कलर का बेस कोट दे रही हूँ। मैं एक्रिलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। बेस को ड्राई हो जाए उसके बाद मैं इसे गोल्डन एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई और शेड भी यूज़ कर सकते हैं, मेटालिक का कॉपर या सिल्वर भी। और अगर आपको एंटीक लुक नहीं चाहिए और रियलिस्टिक लुक चाहिए तो आप ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। पेंट अच्छे से ड्राई होने के बाद इसको 2 से 3 कोट वार्निश के देने हैं। मुझे अंदर फ्लोटिंग कैंडल्स रखनी है, इसीलिए मैं अंदर की साइड 3 कोट्स दूंगी वार्निश के और बाहर 1 या 2 कोट्स काफ़ी हैं। और हमारा कैंडल होल्डर रेडी है। आप चाहे तो इसमें डायरेक्टली कैंडल्स भी रख सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसमें फ्लोटिंग कैंडल्स भी रख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।